कैंप फायर पे मक्की की रोटी, दिस इज़ माई देसी ब्रेकफास्ट एट कैंपिंग टुडे। और इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि इतनी यमी मकई की रोटी हम कैसे बनाते हैं। सो आउटडोर्स में देसी नाश्ता विद मकई की रोटी, चलें स्टार्ट करते हैं। इंतज़ार किस चीज़ का? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जब आप खाने को टच करने जा रहे हो आउटडोर्स के अंदर, मेक श्योर कि आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया, अपने हाथों से कोई भी ऐसी चीज़ उसको साफ़ कर लिया जिससे आपके मैदे को डिस्टर्बेंस हो सकती है, बिकॉज यू कॉन्ट अफोर्ड हैविंग एन अपसेट मैदा इन आउटडोर्स। मेरे पास आज के इस देसी नाश्ते के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है वो है मकई की रोटी। ये मकई का आटा मैं अपने साथ लाया था, तो रेसिपी में सबसे पहला आइटम मकई का आटा। ये तकरीबन 1.5 कप आटा मैंने इसमें लिया। अगला स्टेप, मैं इसके अंदर नमक डालूंगा। सो दिस इज़ माय आउटडोर पैक फॉर सॉल्ट। इतनी सी मकदार में आप ये नमक इस पैक में ऐड करेंगे और इस पैक में नमक को मकई के आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद सबसे फन पार्ट इस एक्सरसाइज का वो है इसमें पानी डालना। ख्याल रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि आपके पास इतना ही आटा है, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो यू कैन नॉट मैनेज इट। सो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे। लें जी, हमारे साथ ये कुछ बर्ड्स भी आ चुके हैं जो आज के नाश्ते में हमें ज्वाइन करेंगे, सो लेट्स इन्जॉय। ओके, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी बढ़ाते जाएंगे टू सी कि हमारा इस वक्त जो मिक्सचर है वो एक बेहतरीन डो की शक्ल में आ जाए। सो अभी भी हमें ये नज़र आ रहा है कि पानी कम है, सो हम कुछ और पानी ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो इट सीम्स कि हमारा डो तैयार है और इस डो को अब हम लाएंगे एक गोल रोटी की शक्ल में। गोल रोटी बनाने की कोशिश करते हैं कि जितनी परफेक्ट गोल रोटी हम आज बना सकते हैं, सो लेट्स ट्राई। तो गोल रोटी बनाने के लिए इस डो को हम निकाल लेंगे अपने बर्तन के अंदर। सो दिस इज़ माय पैन जिसमें मैं डो बनाऊंगा और उसके लिए मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल इसमें ले लूँगा ताकि ये चिपक ना जाए। ये जनाब हमारा डो तैयार हो गया। सो इस तरह से ये डो तैयार हुआ एक परफेक्ट रोटी की शेप के अंदर। और अगला काम हम ये करेंगे कि आपके पास ये जो ज़िप लॉक है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपने इसी ज़िप लॉक के अंदर ही रहते हुए ये पेड़ा बनाना है। सो यू पुट लिटिल बिट ऑफ ऑलिव, आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके अंदर डालेंगे जिससे ये नॉन स्टिकी हो जाएगा। और इस पेड़े को आप इसी जिप बैग के अंदर डाल के और आप राउंड राउंड, व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड ऑल द डे लॉन्ग। ये देखिए उसी जिप बैग में जिसमें हमने ये आटा गूंदा, हमने इस पेड़े को गोल गोल बना लिया। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आग की तरफ। इस वक्त यहाँ घास बिल्कुल ड्राई है और लकड़ी भी बिल्कुल ड्राई है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी किसी स्टार्टर के बग़ैर, किसी फ्यूल के बग़ैर ये आग खुद बखुद सिर्फ लकड़ी को कैच कर लेती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आग उठनी है तो इसलिए थोड़ा सा मैं अपना डिस्टेंस पीछे कर लेता हूँ अपने आप को। एंड हम मूव करते हैं अपने चूल्हे को एडजस्ट करने की तरफ। जी दोस्तों, हमारी आग काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसके अंदर हम अपना ये पैन यूज़ करेंगे। इस पैन के अंदर इस पैन को इस चूल्हे पे एडजस्ट करके हम इसके ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के ताकि हम अपनी मकई की रोटी इसमें बना सकें। सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि हमारा इस धुएँ में मौजूद ये मकई की रोटी तैयार हो। मेरे पास गांव का देसी मक्खन भी मौजूद है तो कुछ मक्खन हम इसके ऊपर और साइडों पे डाल देंगे तो उससे ये इसकी दोनों साइड जो हैं वो जल्दी तैयार हो जाएंगे। आई विश कि आप इसकी खुशबू सूंघ सकते इस मकई की रोटी की इस वक्त। जनरली मकई की रोटी बनाना बहुत आसान है गंदम के आटे की निस्बत। इसका आटा और पेड़ा बनाना और उसको
पकाना, इट्स अ वेरी इजी टास्क। सो मैं रिकमेंड करता हूँ ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी एडवेंचरर्स एंड हाइकर्स, पाकिस्तान में हर जगह मकई का आटा बहुत आसानी से दस्तियाब है, तो आप इसको ट्राई करें। इट्स एन ईजी रेसिपी। और अक्सर हमें एक इशू होता है कि हम अपनी कैंपिंग और हाइकिंग में हम जो अपने नाश्ते ख़ास तौर पे खाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फ्रेश रोटी पराठा नहीं मिलता। सो दिस इज़ एन ईजी रेसिपी जो तकरीबन आप 10 से 15 मिनट के अंदर ख़ुद तैयार कर सकते हैं, आपकी आग अच्छी हो और आपके पास ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों और कुछ ना हो तो सिर्फ मकई का आटा हो। एंड एडवेंचरर हमेशा अपने रास्ते ख़ुद तलाश कर लेता है। जी आप अगर देख सकें इस कैमरे में तो ये एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, सो इट्स गेटिंग रेडी। इसकी हम दूसरी साइड चेक करते हैं अपनी रोटी की, मकई की रोटी की। डोंट ब्रेक, टूटना ही टूटना ही। सो दिस इज़ द चैलेंज। ये जी आप देख सकते हैं कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसका टेक्सचर आ चुका है और मकई का जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो भी यहाँ पे बहुत विजिबल हो चुका है, जो इस चीज़ की अलामत है कि मकई पकना शुरू हो गई है। ऑलराइट दोस्तों, थोड़ी सी ये रोटी आप देखते हैं टूट चुकी है, बट अल्टीमेटली इसने टूटना ही है। मेरे ख़्याल में ये तैयार हो चुकी है और मैं इस पैन को यहाँ से मूव कर रहा हूँ ताकि हम इसको अपने दस्तरखान पे ले आएँ। वंडरफुल। सो हमारा दस्तरखान देसी नाश्ते का दस्तरखान सज चुका है। हमारे पास इस वक्त ये मकई की रोटी जो हमने अभी भी बनाई फ्रेश, और हमने ये बॉयल एग, ये एग बॉयल करने का तरीका इस आग के ऊपर, बोन फायर के ऊपर, इसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे। कुछ ऑलिव्स, दिस इज़ माय फेवरेट फूड आइटम विच आई कैरी, इट्स वेरी हेल्दी। हमारे पास घर की बनी खालिस दूध की मलाई मौजूद है यहाँ पे, और इस मलाई का इस्तेमाल हम करते हैं ये शहद डाल के। सो कुछ शहद मैं इसमें ऐड करूँगा जिससे ये देखिए इट्स गोइंग टू बी यमी। और ये फ्रेश चाय जो हमने अभी यहाँ पे बनाई, और इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कैंप फायर के ऊपर एक यूनिक तरीका चाय बनाने का। और ये देखें एक हमारा सरप्राइज आइटम, ये साग घर का बना, विच आई पैक्ड विद मी इन माय डे बैग। सो दिस इज़ माय देसी नाश्ता, दिस इज़ माय देसी मेन्यू, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट जी, पहला निवाला लेते हैं हम साग के साथ। सो वी हैव गॉट दिस फुल बुफे मेन्यू और हमारी इस आज की कैंप साइट का नाश्ता। लुक एट दिस, ये निवाला कितना जूसी नज़र आ रहा है। क्रिस्पी, खुशबूदार, दिस इज़ द एसेंस। हमारे अपने बनाए हुए जंगल के चूल्हे में लकड़ी पे धुएं के साथ बना हुआ मक्की की रोटी, मक्की का पराठा। लेट्स ट्राई दिस विद मलाई एंड शहद। मलाई एंड शहद इज़ माय एवर फेवरेट, और कैंपिंग पे मकई के पराठे के साथ आपको मिल जाए, नथिंग लाइक दैट। जी अब आते हैं हम अपने बॉयल्ड एग की तरफ। बॉयल्ड एग एट कैंप फायर विद मकई का पराठा। डोंट मिस दिस इंपॉर्टेंट आइटम, ऑलिव, जन्नत के फल। सो दोस्तों आप अपने नेक्स्ट कैंपिंग ट्रिप पे ट्राई करें मकई की रोटी विद दिस देसी नाश्ता, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट्स में बता दें कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन दिस वीडियो, व्हाट डिड नॉट लाइक, और इसमें और क्या बेहतरी हो सकती है। तब तक मैं एंजॉय करता हूँ अपना देसी नाश्ता।